हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम बिगनर्स जो हैं वो फ्लैट सर्कल बनाना कैसे सीखें। अमूमन मैंने देखा है कि जब भी बिगनर्स जो हैं वो फ्लैट सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, बनाना सीखते हैं सर्कल क्रोशिया से, तो उनके जो क्रोशिया का ये सर्कल बनता है उसमें झोल आ जाता है। मीन्स कि वो इस तरह से ऐसे अकड़ा अकड़ा सा और मुड़ा मुड़ा सा बनता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि हम एक बिल्कुल परफेक्ट फ्लैट सर्कल कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस सर्कल में आपको कहीं भी कोई भी झोल नज़र नहीं आ रहा है और एकदम फ्लैट हमारा ये सर्कल बनके तैयार हुआ है। तो इसके पीछे जो टेक्निक है वो मैं आज आप सबको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स गलती करते हैं शायद उनको भी नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको ध्यान से समझाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले स्लिप नोट लगा लेते हैं, और स्लिप नोट कैसे लगाते हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को स्लिप नोट लगानी नहीं आती है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये ऊन मेरी बहुत पतली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2.7 mm का क्रोशिया लिया है 12 नंबर का। तो अब स्लिप नोट लग चुकी है और इसके बाद मैं पहले 6 की चेन बना लेती हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब हम फर्स्ट चेन में क्रोशिया को एंटर करेंगे और एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमारा रिंग बनके तैयार है, इसको हम चेन रिंग भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, जिसको कि हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और अब फर्स्ट रो में हमें 15 डबल क्रोशिया बना लेने हैं पहले। तो एक डबल क्रोशिया हमारा बन चुका है, जो हमने 3 की चेन बनाई है उसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 हो गए हैं हमारे पास। चलिए एक और बना लेते हैं, 3 and 4। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। तो इसी तरह से हम 15 डबल क्रोशिया बना लेते हैं और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 15 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, तो थर्ड चेन में हम क्रोशिया को एंटर करके और स्लिप स्टिच से फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया 15 डबल क्रोशिया के साथ। अब हम सेकंड रो में क्या करेंगे, सेकंड रो में पहले हम 3 चेन बना लेते हैं जो हमारी एक डबल क्रोशिया के रूप में काउंट होगी। अब हमें ये जो हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर क्रोशिया के बीच में, हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जितने भी हमारे यहाँ पे चेन नज़र आ रही हैं, हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यानी पहले हमारे 15 डबल क्रोशिया थे, तो अब हमारे 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे सेकंड रो में। तो ये देखिए यहाँ पे 1 and 2, और अब नेक्स्ट चेन में फिर से क्रोशिया एंटर करेंगे, 1 and 2। ये देखिए इस तरह से करते हुए हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। बस अब इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, फिर से थर्ड चेन में क्रोशिया को एंटर करके और स्लिप स्टिच लगा के ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। पहले हमने 6 की चेन लेके एक रिंग बनाई, फिर उस रिंग में 15 डबल क्रोशिया बनाए, और नेक्स्ट रो यानी सेकंड रो में हमने हर चेन के बीच में से डबल क्रोशिया बना के और सेकंड रो को कंप्लीट किया। तो 30 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए हैं। अब ये थर्ड जो हम रो बनाने जा रहे हैं, ये सबसे काम की है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। हर रो में हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 की चेन बना लेते हैं, 1, 2 and 3, और अब इसी के अंदर एक और क्रोशिया बना लेंगे डबल क्रोशिया। यानी इस चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें जो नेक्स्ट चेन है इसमें से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब इससे नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, फिर डबल डबल क्रोशिया यानी 2 डबल क्रोशिया, अब फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अपनी पूरी थर्ड रो कंप्लीट करनी है। एक बारी 2 डबल क्रोशिया बनाने एक चेन में, फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से जो हमने शुरू में तीन चेन बनाई थी, थर्ड चेन में क्रोशिया को एंटर करके स्लिप स्टिच लगा लेंगे और इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम तीन चेन बनाते हैं और इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब ये हमारी फोर्थ रो है, इसमें हमें क्या करना है, जो इससे पहले की रो थी हमने उसमें दो डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया का पैटर्न लिया था। अब हमें क्या करना है, एक बार हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं एक चेन में, फिर उससे नेक्स्ट जो दो चेन हैं उनमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यानी हर रो में जो हमारा एक अकेला डबल क्रोशिया है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। पहले रो में हमने दो डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया था और अब हमें क्या करना है, दो डबल क्रोशिया के बीच में हमें दो बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ध्यान से देखिए आप, अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे ध्यान से पैटर्न समझ लीजिए आप, ये देखिए दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक और फिर दो डबल क्रोशिया। चलिए एक बार और देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए अभी हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया अकेला डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब इससे अगली चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसको भी स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं थर्ड चेन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल बीच में झोल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये सर्कल बन रहा है। और ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के बहुत ही काम की है, जिनको अभी कुछ भी बनाना नहीं आता है। इस तरह से आप फ्लैट सर्कल बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और इसको यूज़ करके आप कोएस्टर बना सकते हैं, जैसे चाय के कप या गमलों के नीचे रखने के लिए, डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए कोई भी कोएस्टर आप बना सकते हैं, या फिर आप कोई गोल पूजा आसन या पायदान भी बना सकते हैं इस तरह से। और इसमें आप अपनी नई या पुरानी जैसे भी ऊंचा है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट रो में शुरू करने के लिए फिर से पहले हम तीन की चेन बना लेंगे। अब इसी चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट जो तीन चेन है उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। याद रखिए हर रो में हमें जो हमारा एक डबल क्रोशिया है, जो हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है हर दो डबल क्रोशिया के बीच में। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर जो हमारी फिफ्थ रो थी उसमें हमने एक एक डबल क्रोशिया दो बार बनाया था, अब हम एक एक डबल क्रोशिया तीन बार बना रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा थर्ड डब हो गया और अब हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया ले लिए। तो आप देख सकते हैं इस रो में दो डबल क्रोशिया के बीच में हमारे पास तीन बार एक एक डबल क्रोशिया है। एक बार फिर से देखिए, दो डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। ये हमारा एक बारी का डबल क्रोशिया, फिर एक बार का डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया। तो तीन बार अकेले अकेले हो गए। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया बना लिए। तो इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया इसी तरह से, और बिल्कुल भी झोल नहीं है आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से आप इसको चाहे जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, हर रो में हमें जो हमारे दो डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं उनके बीच में एक एक जो डबल क्रोशिया है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है। पहले हमने एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, अब अगली रो में हम चार बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दो डबल क्रोशिया के बीच में, उससे अगली रो में पाँच हो जाएंगे, फिर छः हो जाएंगे। बस इस तरह से हमें जितना मर्जी चाहे बड़ा हम बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हमारे बिगनर्स के बहुत ही काम की होगी। अगर आप भी बनाना चाहते हैं और अपनी पुरानी बची हुई ऊन को भी यूज़ करना चाहते हैं, या नई ऊन से भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।